नमो नारायणा मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल केटी ज्ञान में। दोस्तों आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेके। तो बिना समय गंवाए चलिए हरि का नाम लेके इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में और टाइटल में देख ही लिया है कि इस कलयुग में अगर आपको बचना है तो श्री कृष्ण का नाम जपना है, यानी क्लीम मंत्र का जप करना है। दोस्तों हम लोगों से अनजाने में इतने सारे पाप हो जाते हैं जिसका कुछ कहना नहीं है। हम चलते चलते भी पैरों से इन जीव जंतुओं को दबा देते हैं, किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी को डांट देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पाप जुड़ते चले जाते हैं। ये सब पापों का जो दंड है कहीं ना कहीं हमें मिलेगा, लेकिन अगर आप भगवान की भक्ति में जुड़ जाते हैं तो उनके पास इतनी शक्ति होती है कि आपके जो पाप हैं कहीं ना कहीं धुल भी जाते हैं। जैसे वेदों और पुराणों में लिखा हुआ है कि अगर कोई इंसान अपना सब कुछ छोड़ के कृष्णा की भक्ति में लग जाता है या वासुदेव की भक्ति में लग जाता है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता है तो इस मंत्र में आपके कर्मों को काटने की भी क्षमता है। हमारे जो कर्म होते हैं उसको कोई नहीं बदल सकता है, लेकिन अगर भगवान की भक्ति में आप जम जाते हैं, रम जाते हैं, तो आपको उनसे लड़ने की ताकत आ जाती है। क्लीम मंत्र ब्रह्मांड का मंत्र है, आपकी इच्छाओं को पूरा करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये लॉर्ड से भी जोड़ के रखता है, यानी आपको परमपिता परमेश्वर जिसकी भक्ति में आप जम रहे हैं, रम रहे हैं, उनसे आपको कनेक्ट कर देता है। आपके जो तरंगे हैं दिमाग से वो आपको उसके साथ मिला देती हैं और आप उसमें इतना खो जाते हैं कि एक दिन आपको उसका एहसास होने लगता है। फूलों का खुशबू आती है, आपको ऐसा लगता है कोई आपके आसपास है, आपके काम सडन बन रहे हैं, लोग आपकी सुन रहे हैं, आप में आकर्षण शक्ति आ गई है। तो ये किससे होता है? ये होता है क्लीम के मंत्र से। अगर आपके पास समय है तो मैं मानता हूँ कि एक माला तो जरूर करें, कृष्ण की भक्ति को माने, शक्ति तो आपको अपने आप पता चल जाएगी। भक्ति में तो एक बार जम के देखिए, एक बार इस मंत्र में आप जाइए, अंदर जाइए, आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आपको मन से करना है, जो भी करना है आपको मन से करना है, कुछ सोचना नहीं है, कुछ मांगना नहीं है, कुछ देखना नहीं है, वो सब जानता है परमपिता परमेश्वर, सब जानता है, उससे आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मन में एक बार वो चीज़ को मैनिफेस्टेशन कर लीजिए, अंदर दिमाग में वो चीज़ को ले आइए, जब आप कर रहे पूछो वो सब जान जाएगा, उसको मुँह से बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बोल के नहीं कर पाते हैं, आपके आसपास का वातावरण ऐसा है, तो आप लिख सकते हैं डायरी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे ओम क्लीम कृष्णाय नमः आप लिखेंगे, लेकिन कुछ लोग लिखने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग बोलने में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा होता है जैसे कुछ लोग यूट्यूब में वीडियो बहुत अच्छा बना लेते हैं और कुछ लोग ब्लॉगिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, क्योंकि अपने दिमाग में सोचते हैं, वो कैमरे के सामने थोड़ा सा शाय हो जाते हैं, बोल नहीं पाते, लेकिन उनको लिखना बहुत अच्छा आता है, यानी अपने वर्णों को, अपने शब्दों को कलमों में उतार देना, अपनी कलम में, अपनी कॉपी में उतार देना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान आपकी भक्ति देखता है, अगर आप सच्चे मन से लिखते हैं डूब के ओम क्लीम कृष्णाय नमः, तो भगवान आपका प्यार देखता है, वो अटूट विश्वास देखता है, जो वो आपसे चाहता है यही तो चाहता है। वो आपसे सोना चांदी हीरा मोती तो चाहता ही नहीं है, सब कुछ है उसके पास, उसको आपका दान नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपके महंगे महंगे फल नहीं चाहिए, आपके पास से पैसे नहीं चाहिए उसे, उसको दूध नहीं चाहिए, उसे आपकी भक्ति चाहिए, सब कुछ है उसके पास, आपको बहुत कुछ चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए, आप इस धरती पे आए हैं, क्यों ना चाहिए, चाहिए भी बिल्कुल चाहिए, भौतिक इस जिंदगी में अब आप आए हैं तो आपको चाहिए ना, लेकिन किसी और से ना मांग के भगवान से मांगिए, वो सब देगा आपको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नारायण ने ही कल्कि का रूप लेना है, जैसा कि पुराणों में वर्णन है, वेदों में वर्णन है कि ऐसा ऐसा होगा और कल्कि का अवतार लेंगे, तो क्यों ना ये सब चीज़ों से पहले उनसे क्षमा मांग ली जाए। और अपने गर्व और अभिमान में मत रहिए कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ कर भी नहीं पाएंगे, आत्मा ही है जो निकल के चली जाएगी फिर नया जन्म लेगी, शरीर तो यहीं चल के खाक हो जाएगा। अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा है, भक्ति में रम जाइए और शक्ति का कमाल फिर देखिए, आपको सब अपने आप महसूस होने लगेगा। सबसे पहला जो चमत्कार होगा वो चमत्कार ये होगा कि जिस दिन 108 मंत्रों में अगर आपने उसके 10-20 मनकों में भी सही से मन लगा के कर लिया तो आपकी पूजा सफल होने लग गई है। जिस दिन आपने 108 माने कर लिए, पूरे 108 मन के पूरे जाप कर लिया तो आपकी पूजा और बढ़ चुकी है। जिस दिन आपके अंदर से ये मन हो कि मैं एक माला और करूँगा, यानी पूजा आपकी और फलित हो रही है।
जिस दिन आपके मन से एहसास हो कि मेरे साथ तो कोई है, सारे काम बन जाएंगे, यानी आपकी पूजा और बढ़ रही है। जिस दिन आपके पास ऐसा एहसास हो कि कोई तो मेरे साथ है जो मेरे सुख दुख में मेरा साथ देगा, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ है जो मेरे साथ चलती है, कोई चीज़ है जो जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो काम को बना देती है, यानी पूजा आपकी और फलित हो रही है। फिर धीरे धीरे जब उसमें आपका ऐसा विश्वास होता जाएगा, आप जहाँ बैठते हैं वहाँ दर्द नहीं होगा, आपके दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा, आपको अंदर से मन करेगा कि मैं एक माला ही क्यों या मैं पांच माला करूँ, उस दिन आप समझ लेना कि आपकी पूजा सार्थक होने लग गई है। धीरे धीरे आप जिस तरह उसमें घुसेंगे, घुसते जाएंगे और अंदर से मन करता रहेगा, आपकी आंखों से आंसू आने लगेगी, आपको चीज़ों का आभास होने लगेगा, पहले से कोई चीज़ हो रही होगी वो आपको पता चल जाएगी जो होने वाला है। लोग सडन आपसे बात करने के लिए लालायित होंगे, आपके चेहरे पे एक तेज आ जाएगा, आपकी वाणी में मधुरता आ जाएगी, आपके अंदर पेशेंस की पराकाष्ठा हो जाएगी, क्रोध आपका गायब हो जाएगा, बातों में वो जादू हो जाएगा कि आपके जब शब्दों से बाण चलेंगे तो किसी को घायल करके ही आएंगे, यानी किसी को जीत के ही आएंगे। तो आज से और अभी से भक्ति में खो जाइए, भक्ति में बहुत शक्ति है दोस्तों। इस कलयुग रूपी संसार में बहुत सारे पाप लोगों ने कर डाले हैं, हम उन पापों को हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम अकेले करके 165 करोड़ लोगों को बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने आप को तो बदल सकते हैं। तो आज से और अभी से ये कसम खाइए कि हम श्री कृष्ण की भक्ति में एक बार जरूर लगेंगे। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो ज्ञानवर्धक और एजुकेशन पर्पस से बहुत ही अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें, ताकि ये रिकमेंड में जाए और आपके जैसे और भी लोग जिन्हें ज्ञान नहीं है वो इसका फ़ायदा उठाएं, और फिर और आगे ऐसी श्रृंखला और चेन बंदी चली जाए और फ़ायदा हो। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। कृष्ण जी की भक्ति में सारा सार है, आप पे मनोकामना करें, आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करें, ऐसा मेरा मानना है। हरिओम, ओम नमो नारायण, जय श्री राम।